नमस्कार फ्रेंड्स में नाम बब्लू पेपर हैकर में आपका स्वागत है तो फ्रेंड्स आज जो देखने वाले हैं वो अपना हो जाता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट जैसे का हमारा पार्ट्स बाई पार्ट्स चल रहा था तो आज जो देखने वाले हैं वो अपना पार्ट्स नंबर हो जाएगा सिक्स सेवन ठीक है पार्ट्स नंबर कौन सा हो जाएगा ये हो जाएगा सेवन यूनिट नंबर हमारी सेकंड चल रही है यहाँ पर यूनिट नंबर सेकेंड का ये थर्ड पार्ट यहाँ पर रहने वाला है दो पार्ट डाल रखे हैं वैसे आपको टोटल छह वीडियो आपको मैंने प्रोवाइड कर रखी है ठीक है नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन देखा है प्ले का लिंक या फिर आप चैनल के प्ले में जाके भी आप देख सकते हो ठीक है या हमारी साइट पर भी जाके आप देख सकते हो सभी पर आपको प्ले का लिंक मिल जाएगा ठीक है भाई बढ़ते हैं फटाफट प्रश्नों की ओर आज जो देखेंगे हम वन हंड्रेड फिफ्टी वन से आगे के वो यहां पर देखने वाले हैं ठीक है थीके? तो स्टार्ट करते हैं फटाफट प्रश्नों की ओर और जिस किसी को पीडीएफ नोट्स चाहिए ठीक है पीडीएफ नोट्स चाहिए तो भाई कहां डाउनलोड करेगा वो डाउनलोड करेगा पेपर हैकर डॉट इन जैसे कि आपके सामने यहां पर दिख रहा है ठीक है वाटर मार्क पेपर हैकर डॉट इन पर जैसे ही आप जाओगे तो वहां पर आपको एक बटन मिल जाएगा इन्वॉर्मेंट का और वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर तो फर्स्ट क्वेश्चन जो अपना रहने वाला है मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में घास है जो मैदानी पारिस्थितिक पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें घास क्या होता है यह आपको बताना है प्राइमरी कंज्यूमर या फिर प्रोड्यूसर कंज्यूमर या फिर इनमें से कोई नहीं तो राइट right आंसर हमारा क्या रहने वाला है मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में घास क्या होती है एक बात बताइएगा मैदान में मैदान में जो घास होती है ठीक है वो क्या करती है वो प्रोड्यूसर करती है मतलब क्या करता है निर्माण होता है मैदान पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण किससे होता है मैदान में पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण किससे होता है भी घास से होता है और घास क्या होती है प्रोड्यूसर होता है मतलब निर्माता होती है किसी भी पारिस्थितिक तंत्र का ठीक है सबसे पहले क्या उगती है घास ही उगती है तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं प्रोड्यूसर कहते हैं मतलब निर्माता कहते हैं ठीक है ठीके? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्रेयरी घास के मैदान कहां मिलते हैं जो प्रेरी घास के मैदान होते हैं वह कहां मिलते हैं मध्य अक्षांशों में उच्च अक्षांशों में निम्न में में। या फिर ध्रुवों तो यहां पर बताना है कौन सा राइट होगा ठीक है प्रेरी घास के मैदान कहां मिलते हैं तो यह आपको देखने को मिलेंगे मध्य अक्षांशों में कहा देखने को मिलते हैं भाई मध्य अक्षांशों में देखने को मिलते हैं जैसे कि हम देख सकते हैं मध्य आक्षांश मध्य अक्षांश ठीक है ये अपना होता है ये अपनी पृथ्वी हो गई ठीक है और ये हो गई अपनी भूमध्य रेखा हो गई ठीक है इसके साढ़े मतलब 18 डिग्री कहां पर उत्तर की ओर और अठारह डिग्री ही कहां पर दक्षिण की ओर यहां का जो बीच का स्थान होता है उसे मध्य अक्षांश कहा जाता है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घास के मतलब कहां मिलते हैं मध्य अक्षांशों में देखने को मिलते हैं नेक्स्ट बढ़ते हैं अधोलिखित में से कौन सा पेड़ बिशुबत्तीय वर्षा बन में पाए जाते हैं जो बिशुबत्तीय वर्षा बन होते हैं उनमें कौन से वर्षा बन में कौन से पेड़ पाए जाते हैं ये आपको यहां पर बताना है पहला रखा है टीक सीसम आम या फिर महोगिनी तो यहां पर राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है बिशुबत्तीय ध्यान रखना है बिशुबत्तीय वर्षा वन में पाए जाते हैं कौन से पेड़ पाए जाते हैं तो वो हो जाता है अपना महोगिनी पेड़ पाए जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट है इसे याद कर लेना ठीक है आगे बढ़ते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु है तो आपको तो पता ही है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन हो जाता है बाघ मगर यहां पर कौन सा दे रखा है यह चीता बाघ दे रखा है ये नहीं होता है बंगाल टाइगर है ठीक है तो इस प्रकार से अगर हमारा बाघ नहीं दे रखा है तो हम कहाँ जाएंगे शेर की ओर जाएंगे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट रखा है अपना मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है ममल्स या फिर अपना हो जाता है कोरोलेट्स या हो, जाता है, होमो या हो तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा भारत का मानव का सॉरी मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है होमोसेपियंस होता है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट रखा है, नेक्स नेक्स है प्रकाश का कौन सा स्त्रोत तो सबसे उपयोगी है प्रकाश का जो सबसे सॉरी प्रकाश का कौन सा स्त्रोत सबसे उपयोगी है आपको बताना है पहला विद्युत बल्ब सी एफ एल एस या फिर अपना हो जाता है प्रदीप्त ट्यूबलाइट या कैरोसिन जो अपना होता है फानूस है ना वो वाला कौन सा राइट होगा प्रकाश का कौन सा स्त्रोत सबसे उपयोगी है तो वो जाता हो सी एफ एल एस ठीक है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है यहां पर नेक्स्ट बढ़ते हैं बायोम है बायोम क्या होता है पृथ्वी और उसका बायोमंडल जहां जीव रहते हैं जीवों का समुदाय जो लगातार क्रिया करे स्थलीय वनस्पति या फिर सागरीय वनस्पति यहां राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बायोम क्या है हमने इससे पहले भी देख, देख रखा है कि पृथ्वी और उसका वायुमंडल जहां जीव रहते हैं समुदाय बनाकर उसे क्या कहते हैं बायोम कहते हैं राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेक्स्ट बढ़िएगा है है खनिज हेमेटाइड ठीक है ये किसका खनिज हो जाता है ये आपको बताना है लोहे का तांबे का एल्यूमिनियम का या फिर मैग्नीशियम का जो हेमेटाइट है वो खनिज किसका हो जाएगा वो हो जाएगा एफी मतलब लोहे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठीक है एफी लोहा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखा है नाभिकीय प्लांट चलाने के लिए मुख्य तत्व है जो नाभिकीय प्लांट होते हैं वह किस तत्व से चलते हैं ये आपको बताना है सोडियम पोटेशियम कार्बन या फिर यूरेनियम तो नाभिकीय प्लांट चलाने के लिए मुख्य तत्व कौन सा हो जाएगा वो हो जाएगा यूरेनियम दो तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक है आगे बढ़ते हैं पक्षियों के संरक्षण हेतु सेंचुरी स्थित है जो पक्षियों के संरक्षण पक्षियों का संरक्षण कहां किया जाता है ठीक है बहस सेंचुरी आपको बताना है कहां पर स्थित है भरतपुर में बिलासपुर में रामपुर रायपुर में या फिर गोरखपुर में राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है तो पक्षियों का संरक्षण जो होता है इकट्ठा करना है ना उसका सेंचुरी कहां स्थित है तो वो हो जाती है भरतपुर राजस्थान में कहां पर भरतपुर राजस्थान में ये भी आपको याद करना है भरतपुर कहां पर है राजस्थान राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेक्स्ट बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन किसान का मित्र है केचुआ सर्प कबक या फिर ये सभी तो आपको बताना है किसान का मित्र कौन सा हो जाता है ठीक है ये सभी को पता है कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केचुआ ठीक है जो बर्मिंग करता है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और कंपोस्ट बनाता है है ना उर्वरक क्षमता बढ़ाता है कौन सा सबसे अधिक है है ना कौन सा सबसे अधिक है अच्छा तो एक क्या है वास्तविक प्राथमिक उत्पादकता या फिर वास्तविक उत्पादकता प्राथमिक उत्पादकता या सकल प्राथमिक उत्पादकता बताना है कौन सा सबसे अधिक है सबसे अधिक कौन है ये यह आपको यहां पर बताना है तो कौन हो जाएंगे भाई ये हो जाएंगे वास्तविक उत्पादकता जो वास्तविक उत्पादकता है वो क्या होती है ज्यादा होती है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसे याद कर लेना अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट बढ़ते हैं रेडियो धर्मिता का ऐसा मात्रक है क्यूरी रेड बैकवेरल या फिर रेम तो राइट आंसर हमारा क्या होगा रेडियो एक्टिवता का ऐसा मात्रक आपसे पूछ रखा है तो कौन सा हो जाएगा क्यूरी हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहने वाला यहां पर ठीक है आगे बढ़िएगा निम्न तरह के कोयले में किसकी मात्रा अधिक होती है तो आपको बताना है कोयले में किसकी मात्रा अधिक होती है पहला नाइट्रोजन सल्फर कार्बन ऑक्सीजन तो कोयले में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है निम्न स्तर के कोयले में बात कर रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा जाएगा वो नाइट्रोजन ठीक है वायुमंडल में कितनी होती है अठहत्तर परसेंट होती है नाइट्रोजन जब नाइट्रोजन की बात हुई है ठीक है तो अठहत्तर कितनी परसेंट होती है वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है अठहत्तर परसेंट ऑक्सीजन वायुमंडल में कितनी होती है इक्कीस परसेंट और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है वायुमंडल में होती है जीरो पॉइंट जीरो चार परसेंट यही बात कर ले भूमि क्रोष में भूमि की जो ऊपरी परत होती है ठीक है उसमें ऑक्सीजन कितनी होती है तो वह अपनी होती है ठीक है यही आपसे पूछता है तो चारों की चारों को क्या होना चाहिए भाई याद होना चाहिए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निम्न स्तर के कोयले में किसकी मात्रा अधिक होती है नाइट्रोजन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्र के उत्पादन और उपभोक्ता के रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने को कहते हैं यह आपको बताना है पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक और उपभोक्ता ध्यान रखना है उत्पादक और उपभोक्ता के अंतर संबंध को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने को क्या कहते हैं पारिस्थितिक पारिस्थितिक आला पिरामिड पारिस्थितिक तंत्र या फिर ट्रॉफिक लेवल तो यहां राइट आंसर क्या होगा पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक और उपभोक्ता का अंतर संबंध जो होता है उसे रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं उसे कहते हैं पारिस्थितिक पिरामिड राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा

पौधों से है ना जानवरों से और जानवर किससे प्राप्त करते हैं वो भी पौधों से प्राप्त करते हैं तो ऊर्जा का, का अंतिम स्त्रोत क्या होता है कोयला सूर्य एलपीजी या फिर जल तो ऊर्जा का अंतिम स्त्रोत क्या है तो वो अपना हो जाएगा सूर्य क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं यहां रखा है टेड्रोथर्मल ऊर्जा पैदा की जाती है जो डेट्रोथर्मल ऊर्जा होती है वह कैसे पैदा की जाती है यह आपको बताना है कोयले से तेल से जल से या फिर लकड़ी से तो राइट आंसर हमारा क्या होगा डेट्रोथर्मल ऊर्जा जो होती है वो तेल से प्राप्त की जाती है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहां पर नेक्स्ट बढ़ते हैं वायु तो है बिना जीवन है वायु बिना जीवन कैसा है जीवन विस्तार का जीवन विस्तार का घटना ऑक्सीजन नुकसान से मुक्त असंभव या फिर तो अवायु बिना जीवन कैसा होता है भाई असंभव है है ना कैसा है असंभव है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नेक्स्ट बढ़ते हैं मनुष्य है मनुष्य क्या है मांसाहारी सर्वाहारी शाकाहारी या इनमें से कोई नहीं तो मनुष्य कौन होता है भाई मनुष्य सर्वाहारी है क्योंकि ये सभी चीजों को खाता है नेक्स्ट बढ़ते हैं पौधे जो न्यून ताप वाले क्षेत्र में उगते हैं उन्हें कहते हैं न्यून ताप कम ताप वाले और जो क्षेत्रों में पौधे उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं अति न्यून तापी न्यून तापी मध्य तापी या फिर ये सभी राइट आंसर क्या होगा पौधे जो न्यून ताप में न्यून ताप वाले क्षेत्र में उगते हैं उन्हें कहते हैं न्यून तापी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेक्स्ट बढ़ते हैं हाँ तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है वो है अपना क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध ईंधन कहलाता है तो शुद्ध ईंधन कौन सा कहलाता है ये आपको यहां पर बताना है 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 ठीक शुद्ध ईंधन की बात हो रही है। जैसे कि आप देख देते हैं सीएनजी पेट्रोल डीजल या फिर विद्युत तो यहां पर कौन सा बिल्कुल राइट होगा शुद्ध ईंधन की बात हो रहा है ठीक है तो पेट्रोल भी नहीं है ना ही डीजल है ना ही अपना विद्युत है तो कौन सा हो जाएगा भाई सी हो जाएगा ठीक है सी यहां पर हो जाएगा राइट आंसर आगे बढ़ते हैं यहां रखा है कल्पक्कम जाना जाता है कल्पक्कम क्यों जाना जाता है ये आपको बताना है पहले देखा है लिंगनाइट कारखाने के लिए नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के लिए तेल शोधन के लिए या फिर स्टील कारखाने के लिए तो जो कल कल्पक्कम है वो किस लिए जाना जाता है कल्पक्कम है कहां पहले यह भी आपको याद होना चाहिए यह है तमिलनाडु में कहां पर है भाई ये अपने तमिलनाडु में स्थित है तो दे ये जो कल्पकम है वो किस लिए जाना जाता है तो ये जाता है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखा है गर्म चट्टानों मैग्मा तथा गीजर से प्राप्त ऊर्जा है जो मैग्मा है गर्म चट्टाने हैं और गीजर से जो गीजर होता है उससे प्राप्त ऊर्जा कैसी है सौर ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा या फिर पवन ऊर्जा राइट आंसर हमारा क्या होगा देखो बात करते हैं गर्म चट्टाने जो होती है मैग्मा है और गीजर है इससे प्राप्त जो ऊर्जा होती है वो कैसी होती है भूतापीय ऊर्जा होती है ठीक है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए क्योंकि मैग्मा कहां होता है पृथ्वी के कोर में स्थित होता है मैग्मा है ना तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा नेक्स्ट बढ़ते हैं जीव जंतु और पौधे अधिक संरक्षित हैं कहा संरक्षित है आपको बताना राष्ट्रीय उद्यानों में चिड़ियाघरों में या फिर अभ्यारण में या आरक्षित वनों में तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है देखो तो बात कहते हैं जीव जंतु और पौधे अधिक सुरक्षित कहां होते हैं तो ये अपने हो जाते हैं कहां पर आरक्षित वनों में चिड़ियाघरों में तो होंगे नहीं ठीक है क्योंकि पौधों की बात हो रही है तो राष्ट्रीय उद्यानों भी सुरक्षित नहीं है ना ही चिड़ियाघर में है ना ही अभ्यारण में ये है आरक्षित बनों में ठीक है आरक्षित बनों में क्या होते हैं ये संरक्षित होते हैं मतलब इकट्ठे होते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं संकटग्रस्त वन्य जंतु प्राणियां हैं जातियां हैं सॉरी संकटग्रस्त वन्य जंतु जातियां कौन कौन सी हैं वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो क्वेश्चन बन सकता है ठीक है पहले रखा है मगर और राइनो मगर और सांप सांप और राइनो जंगली भैंसा तो यहां पर कौन सा बिल्कुल राइट होगा संकट ग्रस्त जंतु जातियां हैं तो वो हो जाती हैं मगर की और राइनो ठीक है दोनों याद करना है बेरी बेरी हो जाता है मगर और राइनो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखा है एलपीजी की तुलना में सीएनजी का महत्व देने का कारण होता है इसका क्या होता है अधिक कीमती होना अधिक हल्का होना सरल स्थानांतरण होना या फिर कम प्रदूषणकारी होना तो यहां पर बताना है कौन सा बिल्कुल राइट होगा देखो बात करते हैं एलपीजी तथा सीएनजी एलपीजी की तुलना में सीएनजी को महत्व देने का कारण क्या होता है कम प्रदूषणकारी होना राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहां पर कम प्रदूषण नहीं 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 नहीं, नहीं 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 भाई नहीं ये कैसे होता है नहीं एलपीजी की तुलना में सीएनजी का महत्व देने का कारण होता है सरल स्थान्तर होना ठीक है ये राइट होगा क्योंकि दोनों के दोनों क्या होते हैं एलपीजी सीएनजी ठीक है LPG, CNG, दोनों के दोनों मुक्त होते हैं प्रदूषण का ही नहीं होते ठीक है ये गलत है तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरल स्थानांतरण होता ठीक है सरल स्थानांतरण होता है सीएनजी का एलपीजी से ज्यादा ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखा है ऊर्जा पिरामिड सदैव होता है जो ऊर्जा पिरामिड होता है वो सदैव कैसा होता है सीधा उल्टा उपयुक्त दोनों या फिर लंबवत जो ऊर्जा प्रिमिट होता है वो कैसा होता है लंबवत और सीधा होता है तो यहां पर हम कहा जाएंगे लंबवत की ओर जाएंगे राइट आंसर होगा लंबवत ठीक है क्योंकि सीधा तो है मगर लंबत है तो लंबत ज्यादा राइट होगा तो ऊर्जा प्रिमिट सदैव कैसा होता है लंबवत होता है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहां पर ध्यान से देखना इस क्वेश्चन के लिए आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं समुद्री तट की वनस्पतियां कहलाती हैं जो समुद्री तट होता है उसकी वनस्पतियां क्या कहलाती हैं आपको यहां पर बताना है पहला हेलोफाइटिक वनस्पतियां यहां पर राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है देखो बात करते हैं समुद्र की समुद्र तट की बात थ्रतिक कर रहा है वनस्पतियां कहलाती हैं क्या समोदेद कहलाती हैं राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मानव जीवन के लिए हवा का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जो हवा है हवा का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है नमी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन राइट आंसर हमारा क्या होगा भाई सबसे महत्वपूर्ण तो ऑक्सीजन ही है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहां रखा है वायुमंडल की ऊष्मीय ऊर्जा मिलती है जो वायुमंडल में उसमी ऊर्जा है वो कहां से मिलती है सूर्य से पृथ्वी से पृथ्वी एवं सूर्य दोनों से इनमें से कोई नहीं तो वायुमंडल में जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है वह पृथ्वी से मिलती है और सूर्य से भी मिलती है दोनों से हमें ऊष्मीय ऊर्जा देखने को मिलती है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहां पर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं रेखा है भूमि संरक्षण का आशय है भूमि संरक्षण का आशय क्या है यह आपको बताना है भूमि की ऊर्जा शक्ति बनाए रखना कृषि गहनता मृदा अपर्दन या फिर कटूर कृषि करना कटूर कृषि करना कोई बात नहीं तो यहां पर बताना है भूमि संरक्षण का आश्य क्या होता है भूमि संरक्षण मतलब भूमि को बचाए रखना है ना उसकी उर्वर शक्ति को बचाए रखना तो यहां पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा भूमि की ऊर्जा शक्ति बनाए रखना ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं याद रखा है पवन ऊर्जा में अग्रणी राज्य है जो पवन ऊर्जा है वायु के द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसमें अग्रणी राज्य कौन सा है यह बताना है महाराष्ट्र पंजाब आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है तो बात करते हैं पवन ऊर्जा में अग्रणी राज्य कौन सा है तो वो हो जाता है अपना महाराष्ट्र राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सामाजिक बानकी में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वृक्ष के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है सामाजिक जो वानकी होता है समाज के द्वारा की गई वान की ठीक है सामाजिक वानकी में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है फल उत्पादन चारा उत्पादन ईंधन उत्पादन या बहुउदेश उत्पादन तो यस का जो तो राइट आंसर होगा क्योंकि सामाजिक की बात कर रहा है ठीक है सामाजिक समाज के द्वारा की गई वानकी है ना समाज के आ, तहत कह सकते हैं समाज के अनुसार सॉरी Uh, समाज के लाभदायक में है ना समाज के लाभदायक में की गई वान की क्या कहता है भाई ना ही फल ना ही चारा और ना ही ईंधन इसमें सभी प्रकार के वृक्षों का किया जाता है मतलब बहुउद्देशीय उत्पादन होता है ठीक है तो यहां पर उत्पादक होता है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें सभी प्रकार के वृक्षों को प्रोत्साहित किया जाता है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सबसे अधिक ऑक्सीजन छोड़ते हैं सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन छोड़ते हैं ये रिपीट क्वेश्चन है उष्ण वर्षा वाले वन शीत वन सागरीय प्रकाश संश्लेषण स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा सबसे अधिक ऑक्सीजन छोड़ते हैं कौन छोड़ते हैं उष्ण वर्षा वाले वन छोड़ते हैं राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पादक में इकट्ठी विक्र ऊर्जा को विक्र ऊर्जा की दर को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पादक में इकट्ठी जो विक्रण ऊर्जा होती है उसकी दर को क्या कहा जाता है, है परिणामी उत्पादकता प्राथमिक उत्पादकता तृतीय उत्पादकता या फिर ये सभी राइट right आंसर क्या होगा भाई प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पादक में उत्पादक जो होते हैं पौधे वगैरह होते हैं इनमें इकट्ठी विकरण ऊर्जा जो होती है उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं परिणामी उत्पादकता राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परिणामी उत्पादकता ठीक है आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं विभिन्न ट्रॉपिक परतों में विषाकारक सांद्रता जो विष कारक सॉरी विष कारक सांद्रता के बढ़ने को कहते हैं जो विभिन्न है ट्रॉफिक परतों में जो ट्रॉफिक परतें होती हैं उनमें विष कारक सांद्रता के बढ़ने को क्या कहते हैं यह बताना है जैविक रूपा जैविक रूपांतरण जैविक वितरण जैविक उपभोक्त या फिर जैविक संवर्धन राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है देखो विश्व सांद्रता के बढ़ने को क्या कहते हैं है जैविक संवर्धन राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहां पर नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं पानी का बाष्पीकरण और फिर वर्षा के रूप में संग्रहण की प्रक्रिया को कहा जाता है पानी का बाष्पीकरण होना पहले बाष्प के रूप में वायुमंडल में जाना फिर वर्षा के रूप में संगरन की क्रिया बरसने की क्रिया है ना क्रिया को क्या कहा जाता है आपको बताना है हाइड्रोलॉजिकल चक्र, ऑक्सीजन चक्र पानी सुधार या फिर इनमें से कोई नहीं राइट आंसर क्या होगा भाई इसे कहते हैं हाइड्रोलॉजी हाइड्रोलॉजिकल चक्र ठीक है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां तरह का पारिस्थितिक संकट का प्रमुख कारण है जो पारिस्थितिक संकट होता है उसका प्रमुख कारण क्या होता है मानवीय अवसादीकरण या प्रदूषण तो राइट आंसर क्या होगा पारिस्थितिक संकट का प्रमुख कारण क्या होता है मानवीय क्रियाकलाप होते हैं जो मानव के द्वारा की गई क्रियाएं ठीक है ठीके? ये हो जाती हैं राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेक्स्ट बढ़ते हैं यहां देखा है पार्सिक तंत्र का संचालक बल है जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसका संचालक बल कौन होता है बताना है उत्पादक होते हैं उपभोक्ता होता है बायोमास होता है या फिर सूर्य ऊर्जा होती है तो राइट आंसर हमारा क्या होगा संचालक कौन है क्या उत्पादक है नहीं सूर्य ऊर्जा है अगर सूर्य ऊर्जा नहीं होगी तो उत्पादक भी नहीं आएंगे ना ही उपभोक्ता और ना ही बायोमास तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो संचालक है वो कौन है सूर्य की ऊर्जा है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नेक्स्ट देखिएगा एक पारिस्थितिक तंत्र अविरल स्तोत्र अवश्य रखता है एक जो पाई तंत्र है वो अविरल स्तोत्र अवश्य रखता है कौन सा रखता है खाग ऊर्जा या फिर ये सभी तो यहां पर भी क्या होने वाला है यहां पर भी ऊर्जा ही आंसर रहने वाला है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नेक्स्ट बढ़ते हैं यहां रखा है वन पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे हैं हरे पौधे क्या हैं खाग एवं O2 को प्रदान करता भोज्य पदार्थ उपभोक्ता जानवरों के आबास, आबास प्रदान करना तो, क्या होगा? है। तो ये होते हैं, खाग एवं O2 के प्रदान करता क्योंकि हमें इससे खा खाना भी प्राप्त होता है और ऑक्सीजन भी प्राप्त होती है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेघ मेघ बीजन किया जाता है जो मेघ बीजन है ठीक है वह किया जाता है वर्षा रोकने हेतु स्पर्श सूर्य चमक हेतु या फिर उर्वक हेतु या वर्षा हेतु राइट आंसर हमारा क्या होगा तो मेघ जो बीजन होता है मेघ बीजन किया जाता है क्यों किया जाता है ये वर्षा हेतु किया जाता है वर्षा को मतलब वर्षा हो जाए ठीक है इसलिए मेघ बीजन किया जाता है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहां रखा है असम का काजीरंगा एवं मानस है एक क्या है प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र जैव मंडलीय क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है तो असम का काजीरंगा इसमें एक वाले गेंडे और मानस है एक क्या है ये राष्ट्रीय उद्यान है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहां पर नेक्स्ट बढ़ते हैं यहां रखा है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को धीमी करने की प्रक्रिया का मुख्य कारण है जो प्रकाश संश्लेषण है उस क्रिया को धीमी करने धीमी करने की क्रिया का मुख्य कारण क्या होता है पेन ओजोन धुआं धूल बा स्मोग या फिर हाइड्रोजन तो प्रकाश क्रिया को धीमी करने की प्रक्रिया का मुख्य कारण क्या होता है यह होता है धुआं धूल और स्मोग तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जैसे आपने देखा था कि पिछली बार बारिश कम हुई थी तो कोरोना की वृद्धि क्या हुई थी बहुत तेजी से हुई थी ठीक है तो प्रकाश असिड नहीं हुआ ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई और ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो रहा था कोरोना में तो इसलिए लोगों की डेथ कुछ ज्यादा हो रही थी तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहां रखा है लेटे, लेटे एक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप होता है क्या होता है लेटेराइजेशन जो है एक प्रक्रिया है इसके फलस्वरूप क्या होता है मृदा निम्नीकरण जल शोधन मृदा का निर्माण मृदा का बंध्याकरण तो राइट आंसर हमारा क्या होगा आपको पता है लेटेराइट क्या करता है मिट्टी का निर्माण करता है तो लेटराइजेशन क्या हो जाएगा जो प्रक्रिया है वो मिट्टी का निर्माण मतलब मृदा का निर्माण करती है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहने वाला यहां पर ठीक है और में कौन सी होती है एफी और एल्यूमिनियम की मात्रा ज्यादा देखने को मिलती है नेक्स्ट बढ़ते हैं यहां देखा है राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है तो कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है चौथाई आधा पांचवा या फिर एक तिहाई तो वैसे तो भारत का कुल लक्ष्य होता है तैतीस परसेंट परसेंट में अगर दे रखा होता तो तैतीस परसेंट पर भारत की क्षेत्रफल में वन होना आवश्यक है ठीक है मगर यहां दे रखा है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत वन आवश्यक है वैसे तैतीस है मगर यहां पर नहीं दे रखा है तो हम कहा जाएंगे एक तिहाई की ओर जाएंगे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट बढ़ते हैं पादप जो चट्टानों पर उगते हैं क्या कहलाते हैं लिथोफाइट एरिमोफाइट मैस्कोफाइट या फिर साइमोफाइट सॉरी राइट आंसर हमारा क्या होगा पादप जो चट्टानों पर उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है उन्हें क्या कहते हैं भाई लिथोफाइट कहते हैं क्या कहते हैं लिथोफाइट कहते हैं राइट आंसर ऑप्शन नंबर अपना ए रहने वाला है आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है एक निश्चित क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादकों की सबसे अधिक संख्या किस तंत्र में होगी मरुस्थल तालाब या फिर घास का मैदान किस निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित क्षेत्र है उसमें प्राथमिक उत्पादकों की बात कर रही है ध्यान से देखना है प्राथमिक उत्पादकों की सबसे अधिक संख्या किस पायसी तंत्र में होगी तो आपको पता है ये कहां देखने को मिलेगी वन में देखने को मिलेगी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्योंकि प्राथमिक उत्पादकों की यहां पर बात हो रही है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखा है जैविक डीजल प्राप्त होता है जो जैविक डीजल प्राप्त होता है वो कहां से प्राप्त होता है भाई पहला दे रखा है अपना मैंजुफेरा फिर मूंगफली जेट्रोफा या फिर ये सभी तो इससे पहले मैंने देख रखा है कि जो डीजल प्राप्त होता है वो कहां से प्राप्त होता है वह जेट्रोफो जेट्रोफा पौधे से प्राप्त होता है राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहां पर तो यहां पर हमने पचास क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए हैं अगली वीडियो में फिर मिलेंगे ठीक है तो फ्रेंड्स वीडियो क्या करना है लाइक करना है शेयर करना है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है बेल आइकन को प्रेस कर देना है जो कि नोटिफिकेशन आपके घर पहुंचे तो फ्रेंड्स लाइक करो शेयर करो चैनल को सब्सक्राइब करो तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जै भारत